पिज्जा आ चुके हैं। ये देखिए, ये छोटा वाला है पिज्जा हट का, ये बड़ा वाला है डोमिनोज का। हेलो गाइज, व्हाट इज अप, मैं तेजस मुरे आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल द फूडी टिकू पर। तो कैसे सगळे खाता है ना, तो खायलाच पाहिजे। सो आज का जो वीडियो होगा वो होगा डोमिनोज वर्सेस पिज्जा हट, जैसे टाइटल में तो शायद से वही डालूंगा ऐसा ही कुछ। तो एक मिनट रुको यार, फर्स्ट टाइम ट्राईपॉड यूज़ कर रहा हूँ, दोस्त का है वो भी। हाँ, तो जो वीडियो होगा तो वो हम लोग बनेंगे डोमिनोज के पिज्ज़ा मेनिया और पिज्ज़ा हट के, मतलब बेसिक पिज़्ज़ा, जो दोनों के सेम पिज़्ज़ा लेंगे। मोस्टली कौन ही लूँगा मैं दोनों के, तो मतलब जस्टिस कर पाऊँगा, नहीं तो एक का महंगा वाला एक का सस्ता वाला तो वीडियो बन नहीं पाएगा प्रॉपरली। तो दोनों के बेसिक पिज़्ज़ा लेके तो मैं आता, अभी तो पिकअप ही चालू है, डिलीवरी में तो सिंगल सिंगल बेचते नहीं है लोग, मतलब 300 का 400 का बोल के फिर बेचते। तो मैं पिकअप करके आता हूँ और मैं आगे वीडियो डाल देता हूँ। तो अब तक आप इंट्रो देख लो, छोटा ही देख लो। तो हमारे दोनों पिज़्ज़ा आ चुके हैं। ये देखिए, ये छोटा वाला है पिज़्ज़ा हट का, ये बड़ा वाला है डोमिनोज का। अंदर पिज़्ज़ा तो सेम ही साइज़ के है वैसे भी, सिर्फ थैली बड़ी है छोटी है। और आप सोचोगे कि मैंने बाहर ड्राइव का मतलब क्यों, पिकअप का मतलब वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो सीन ऐसा था कि मतलब मुंबई में बारिश बहुत है, फिर वीडियो शूट करने के लिए फिर प्रॉब्लम होता, कैमरा भी बिक जाता, अपना कैमरा वाटरप्रूफ तो है नहीं वैसे। तो चलिए, अभी जो हम लोगों ने पिज़्ज़ा जो मंगाए थे, मतलब जो लाए थे, तो वो हम लोग अभी मतलब निकाल के रख देते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा नहीं होगा नीचे क्योंकि स्टूल छोटा है मेरे पास, इसके लिए प्रॉब्लम है। तो ये देखिए, पहला वाला है पिज़्ज़ा हट से, ये देखो, ये 50% का लोगों ने कुछ तो टैग दिया है। तो पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा जो है हम लोग को पड़ा 156 रुपीज़ में। ये देखिए, दिख रहा है या तो फोकस तो नहीं होगा, बट मैं फ़ोटो डाल देता साइड में अगर याद रहा तो। 156 रुपीज़ का हम लोग को ये पिज़्ज़ा पड़ा। तो पिज़्ज़ा एक मिनट रुको, ये हमारा पिज़्ज़ा, ये बिल, ये दो चिली फ्लेक्स, अरे पोका, ये दो चिली फ्लेक्स और ये सीजनिंग इटालियन, मैं तो पिज़्ज़ा हट में ज़्यादा खाता नहीं। तो अभी डोमिनोज को भी अनबॉक्स कर ही लेता हूँ, मतलब दोनों साइड साइड में हम लोग पिज़्ज़ा रख देंगे डोमिनोज एंड पिज़्ज़ा हट का, और फिर देखते फिर आगे, मतलब क्रंची या फिर प्राइस के लिए बराबर है नहीं है वो सब। तो ये रहा हमारा डोमिनोज का पिज़्ज़ा, इसके साथ हम लोग का है एक, दो, तीन चिली फ्लेक्स और चार ओरेगानो, और ये लोगों ने टिश्यू पेपर भी दिए, मतलब बहुत सारे हैं, मतलब एक पिज़्ज़ा के हिसाब से तो ज़्यादा ही आ गए। और इसका जो बिल है वो है, देखो देखो यार फोकस तो, हाँ ये देखो, 82 रुपीज़ हम लोग को पड़े हैं ये पिज़्ज़ा के लिए। हम लोग ने मंगाया है इसमें क्या, गोल्डन कॉर्न मंगाया, और पिज़्ज़ा हट का जो था उसका नाम था पैन क्लासिक, हाँ पैन क्लासिक कॉर्न। तो ये जो है हमारे दोनों पिज़्ज़ा आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, ये पिज़्ज़ा हट का और ये डोमिनोज का। तो पिज़्ज़ा हट का ये रहा बिल और ये रहा डोमिनोज का बिल। तो पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़ा में हमने दोनों में से कौन ही मंगाए, तो देखिए इसमें देखो कौन फिर भी कितना 25-30 रहेंगे, और इसमें भी मतलब तो आप देख सकते हैं ये लोग ने मतलब चीज़ क्रीम भी डाला है, सॉस भी डाला है मतलब, और ये लोग का सिर्फ मुझे सॉस ही दिख रहा है, और ये ज़रा कड़क कड़क लग रहा है, और इसका देखते हैं, और इसका देखते हैं, ये अभी भी सॉफ्ट ही लग रहा है। आप देख सकते हैं अगर कैमरा में दिख रहा रहेगा तो देखो सॉफ्ट ही, यार ये फोकस का लपड़ा है, सॉफ्ट ही है देखो। और मुझे लगभग दोनों का क्वांटिटी तो सेम ही लग रहा है, तो इसका साइज़ छोटा लग रहा है, इसका साइज़ बड़ा लग रहा है। तो अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि मतलब दोनों में टेस्ट करके कैसा, मतलब कौन सा क्या है या क्या नहीं है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो है अपना पिज़्ज़ा हट का है, ये फोकस तो रहा नहीं है। तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ, मैंने इसमें सीजनिंग कुछ डाली नहीं क्योंकि दोनों का मतलब रॉ ही रख रहा हूँ पिज़्ज़ा। तो इसमें रुका, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ पिज़्ज़ा हट सेट, डोमिनोज में तो मतलब 100 के ऊपर तो हो ही गया रहेगा। अच्छा है, मतलब सॉस तो अच्छा लग रहा है ये लोग का, कॉर्न भी मतलब टेस्ट लग रहा है, पर ब्रेड ज़्यादा लग रहा है ये लोग का, क्योंकि जितना प्राइस ये लोग ने डबल लगभग लिया है, डबल के हिसाब से तो मतलब इन लोग का ब्रेड तो एटलीस्ट सॉफ्ट या फिर सॉस कॉर्न सब क्वान्टिटी ज़्यादा रहना चाहिए।
ठीक है अभी डोमिनोज को भी ट्राई कर दे, ये ख़त्म करता हूँ, डोमिनोज को ट्राई करते हैं। एक मिनट रुको, ये देखिए ये डोमिनोज का पिज़्ज़ा, तो इसमें मैंने कुछ मतलब सीजनिंग डाली नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कहा रॉ रखना है। तो अभी तक अपने इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं करते, इंस्टा पे फॉलो करिए, 5500 मतलब के हो चुके हैं अभी तक। आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी ये डोमिनोज का पिज़्ज़ा हम ट्राई कर रहे हैं। रुको, तो पूरा क्रीम है, मोस्ट टेस्टी लग रहा है। अगर पिज़्ज़ा के साइज़ के हिसाब से जाए तो मुझे डोमिनोज का मतलब पिज़्ज़ा का से बड़ा लगा, और जो पिज़्ज़ा हट का छोटा है। और अगर कॉर्न की क्वांटिटी देखे तो कॉर्न जो है पिज़्ज़ा हट तो कॉर्न जो है पिज़्ज़ा हट में ज़्यादा दिखे मुझे, और साइज़ भी कॉर्न की बड़ी है। और अगर टेस्ट वाइज जाए तो डोमिनोज का पिज़्ज़ा बेस्ट लगा मुझे। और मेन बात यह है कि हम लोग को डोमिनोज का पिज़्ज़ा जो है सस्ते में मिल रहा है। एक मिनट रुको, फिर से बिल लेता, भूल गया प्राइस क्या था। तो डोमिनोज का पिज़्ज़ा जो है वो हम लोग को पड़ा था 82 रुपीज़ में, और पिज़्ज़ा हट का है वो जो पड़ा था हम लोग को 156 रुपीज़ में। और दोनों का पिकअप भी चालू है, और ऐप से हम लोग ऑर्डर करते हैं। अगर जोमेटो या स्विगी से करते तो महंगा गिरता है एक्चुअली, तो डिस्काउंट विस्काउंट कुछ नहीं, पहले 30-40 रुपये बढ़ा देता है। तो जैसे कि आपने देखा मैंने डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट दोनों जगह से पिज़्ज़ा ट्राई किया, तो मुझे उसमें पिज़्ज़ा हट नहीं सॉरी डोमिनोज बेस्ट लगा, क्योंकि जो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा वो एक ही है ना, तो वो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा हो रहा था, तो मुझे डोमिनोज का पिज़्ज़ा बेस्ट लगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि डोमिनोज पिज़्ज़ा ट्राई करिए, और वो मस्त बजट में भी बैठ जाता है। और मैंने लास्ट वीडियो में एक मैंने पजल या फिर क्विज टाइप बोला था कि मतलब जो अगला वीडियो आने वाला था आपको गेस करना था, तो जो मैं तो बहुत से लोगों ने मतलब गेस किया। मैं अगर नाम यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, और जो वीडियो बन रहा था वो वड़ा पाव भी एक्चुअली बनने वाला था, बट प्रॉब्लम ऐसे कि बारिश है यार, बहुत सारे मतलब मुंबई में प्रॉब्लम हो रहे, तो वीडियो वहाँ पर नहीं बन पाया, क्योंकि मैं अभी भी इसके लिए वीडियो घर पर बना रहा हूँ, तो वहाँ पर नहीं बन पाया। तो मैं मोस्टली अगली बार ट्राई करूँगा कि अगली बार जो वीडियो है वो मतलब जो मैंने डिसाइड किया था वड़ा पाव वहाँ पे बन जाए। और अगर आपको भी मतलब लग रहा है कहाँ पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता जाए, मुझे प्राइवेट पे व्हाट्सएप पे मत अरे इस पे वीडियो बना रहे, एच आर वीडियो बना तेचार बनाओ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, मतलब अच्छा लगता है। कमेंट सेक्शन में भरे हैं, लाइक सेक्शन भरे है, सब्सक्राइब भी हो रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिए। और मैं थोड़ी के लव फूड और हेट फूड बट डोंट वेस्ट फूड, चलिए चलते हैं। Yeah, you go.